ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं WWE के नेक्स्ट पेपर व्यू एक्सट्रीम रूल्स के बारे में, जो कि होने वाला है इसी मंथ 15 जुलाई 2018 को पिट्सबर्ग में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी मैचेस के बारे में जो कि इस बड़े पेपर व्यू के लिए कन्फर्म हो चुके हैं, और आने वाले टाइम में WWE कौन कौन से मैचेस इस पेपर व्यू के लिए कन्फर्म कर सकती है, मतलब कि मैच कार्ड प्रेडिक्शंस। तो देव किस बात की, शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन मैचेस से जो कि इस पेपर व्यू के लिए ऑलरेडी कन्फर्म हो चुके हैं, जहां पहला मैच है रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए द बी टीम वर्सेस मैट हार्डी एंड ब्रे वायर के बीच। वैसे आपको बता दूं, ब्रे वायर के साथ फिलहाल कुछ दिक्कत है, बट स्टिल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मैच हमें इस पेपर व्यू के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैच है यहां पर रॉ की वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जो कि होने वाला है एलेक्सा ब्लिस वर्सेस नाया जैक्स के बीच। और वहां पर रिंग साइड पर जहां पर क्राउड बैठ रहा था, वहां पर फ्रंट की सीट पर हमें रोंडा राउस भी मौजूद दिखाई देंगी। इसके बाद अगला मैच है WWE चैंपियनशिप के लिए, जो कि होने वाला है एजे स्टाइल्स वर्सेस रूसेफ के बीच। इसके बाद अगले मैच की बात करें, वो होने वाला है स्मैकडाउन लाइव के वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए और योगा कार्मेला वर्सेस आस्का के बीच। स्मैकडाउन लाइव की टैग टीम चैंपियनशिप मैच की बात करें तो यहां पर ये मैच कंफर्म हुआ है द ब्लजन ब्रदर्स वर्सेस टीम हेल नो, मतलब केन एंड डैनियल ब्रायन के बीच। इसके बाद अगला मैच है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और इस मैच में काफी अच्छी स्टिपुलेशन है क्योंकि ये होने वाला है 30 मिनट WWE आयरन मैन मैच, और ये होगा डॉल्फ ज़िगलर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच। अगले मैच की बात करें, जो कि है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए जेफ हार्डी वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच, और हमें साथ साथ एक जबरदस्त मैच भी देखने को मिलेगा बॉबी लैशली वर्सेस रोमन रेंस के बीच। तो ये है यहाँ पर 8 मैचेस जो कि ऑलरेडी इस पेपर के लिए कन्फर्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं आने वाले टाइम में और कौन से मैच में भी इस पेपर के लिए कन्फर्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं। जहाँ पहला मैच हो सकता है वुमेन्स डिवीजन से साशा बैंक्स वर्सेस बेली के बीच, क्योंकि रिसेंटली हमने रॉक एपिसोड में काफी कुछ इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच देखा है। अगले मैच की बात करें जो कि हमें इस पेपर में देखने को मिल सकता है, और वो होगा फिन बैलर वर्सेस कांस्टेबल बैरन कॉर्बन के बीच। जैसे कि हमने रॉक एपिसोड में देखा था, हमें कुछ ना कुछ इनके बीच टेंशन देखने को मिली थी, और इसके चलते WWE इस मैच को एक्सट्रीम रूल्स पेपर के लिए कन्फर्म करवा सकती है। अगले मैच की बात करें जो कि हमें देखने को मिल सकता है स्मैकडाउन लाइव से, और ये होगा एक टैग टीम मैच सैनिटी टीम वर्सेस द न्यू डे के बीच, क्योंकि हमने रिसेंटली स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में देखा था जहां पर सैनिटी ने आकर न्यू डे के ऊपर अटैक किया था। फाइनल मैच की बात करें जो कि हमें इस पेपर में देखने को मिल सकता है, और ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं ये मैच तो कंफर्म ही है, और ये हमें देखने को मिलेगा ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच एक स्टील केज मैच, क्योंकि काफी टाइम से ये मैच रूमर्ड भी है, ऑलरेडी एडवर्टाइज भी किया जा रहा था। इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली मंडे नाइट रॉक एपिसोड में ये वाला मैच भी एक्सट्रीम रूल्स पेपर के लिए कन्फर्म हो जाएगा। तो गाइस, ये थे वो सारे मैचेस जो कि कन्फर्म हो चुके इस पेपर के लिए, और आने वाले टाइम में और कौन से मैचेस स्मैकडाउन लाइव एंड रॉ पर कन्फर्म हो सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना इस मैच कार्ड को देखते हुए आपको एक्सट्रीम रूल्स पेपर से कितनी बड़ी उम्मीदें हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।